International GK Olympiad Class 1 Sample Paper. Total number of questions are 35 and time allotted is 1 hour. इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें टोटल चार सेक्शन है। पहला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है। दूसरा सेक्शन है करंट अफेयर्स का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 है। तीसरा सेक्शन है लाइफ स्किल्स का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 है। और लास्ट सेक्शंस है अचीवर सेक्शन का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 है। और इस सेक्शन में हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क अलॉट किया गया है। आप इस वीडियो को पॉज करके सिलेबस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। Let's begin with the sample questions. Question 1. Which of the following does not have light of its own? Question में पूछा जा रहा है कि इनमें से दिए गए option में से कौन सा ऐसा चीज है जिसकी अपनी light नहीं है? Option B sun, option C stars की अपनी light होती है, but option A moon की अपनी कोई light नहीं होती है, उसको अपनी light sun से मिलती है. Hence correct option is A moon. Question 2. Which of the following is the national fruit of India? India ka national fruit kya hai? Correct option is A. Mango. Question 3. Which of the following is not a mode of transportation? Question mein pucha ja raha hai ki in diye gaye option mein se kaun si aisi cheez hai jo mode of transportation yani ek jagah se dusre jagah jane mein kaam nahi aati hai. ऑप्शन ए ट्रक इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और ऑप्शन बी अलमीरा, ऑप्शन सी टेलीफोन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन 4. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ यंग वन ऑफ द गिवन एनिमल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो इमेज दी गई है, ये गोट की इमेज है, तो इसके बेबी का नाम क्या है? पहले तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, तो कब इज यंग वन ऑफ लायन। ऑप्शन बी इज किड, सो किड इज यंग वन ऑफ गोट। ऑप्शन सी इज काफ, सो काफ इज यंग वन ऑफ बोथ काउ एज वेल एज एलिफेंट। ऑप्शन डी जोई इज यंग वन ऑफ कैंगरू। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज बी, किड इज द यंग वन ऑफ गोट। क्वेश्चन 5. व्हेन समवन हेल्प्स मी आई से डैश। जब आपकी कोई मदद करता है तो आप उसे क्या कहते हैं? The correct option is B, thank you. जब आपकी कोई मदद करता है तो आप उसका धन्यवाद करते हैं। Question 6. Who is the current Chief Minister of Delhi? Correct option is C, Mr. Arvind Kejriwal. And he belongs to AAP party, यानी कि आम आदमी पार्टी। Question 7. Identify the festival related to the picture shown. Question में पूछा गया है कि ये जो picture है, ये किस त्योहार का है? Correct option is C, Holi. Question 8. In which of these words W is not silent? यहाँ पे आपको बताना है कि दिए गए option में W की आवाज आपको किस में आ रही है? Option B wrong. तो इसमें हम W का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो silent है. Option C wrinkle. यहाँ पे हम W का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो silent है. ऑप्शन डी होल, यहाँ पर भी W साइलेंट है क्योंकि हम बोल रहे हैं होल। ऑप्शन ए वाटर, में हम W का साउंड निकालते हैं, WATER वाटर, तो इसीलिए W यहाँ पे साइलेंट नहीं है। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ए वाटर। ये है लास्ट सेक्शन यानी कि अचीवर सेक्शन, और इसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 9. रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। ये क्वेश्चन में कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं जो कि अरेंज नहीं है, जिसे कि आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा। इसके लिए हम ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन ए इज कैटल, तो इस दिए गए वर्ड में कहीं पर भी डबल एल नहीं है। ऑप्शन बी इज बकेट, तो दिए गए वर्ड में कहीं पर भी सी नहीं है। ऑप्शन डी बटर, तो दिए गए वर्ड्स में कहीं पर भी आर नहीं है। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज सी, बास्केट। Question 10. Select the odd one out. Option A snakes and ladders. Option B ludo. Option C carom are indoor games. यानी कि आप इसे घर के comfort में बैठ के खेल सकते हैं. Whereas option D football is an outdoor game. यानी कि football को खुले मैदान में खेला जाता है. Hence correct option is D football.